वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें, फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। एकमात्र पीएम एक्सीलेंस कॉलेज में आज कॉमर्स के साथ साइंस की पढ़ाई भी होगी। जिले का एकमात्र पीएम श्री एक्सीलेंस शासकीय महा कौशल कॉलेज में आज कॉमर्स के अलावा अब साइंस स्ट्रीम भी शुरू हो रहा है। सत्र 2024-25 में प्रवेश के साथ ही साइंस में प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ की जा रही है। इस संकाय को प्रारंभ करने के लिए शासन से मंजूरी मिल चुकी है। कॉलेज में 200 अतिरिक्त सीट का इजाफा हो गया। ये एकमात्र सरकारी कॉलेज है जहां पर 3 संकाय के विद्यार्थी अध्ययन करेंगे। मध्य प्रदेश के 2 पूर्व सीएम और 1 केंद्रीय मंत्री की किस्मत का होगा फैसला। 9 सीटों पर होंगे मतदान। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव 2024 के तीसरे चरण का मतदान आज मंगलवार को होगा। इसमें सबसे खास बात यह है कि 9 सीटों में से 3 सीटें बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जा रही हैं, जिसमें 2 पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और दिग्विजय सिंह और 1 केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की साख दांव पर लगी है। व्यापारियों के बाद वोट परसेंट बढ़ाने डॉक्टर भी आए आगे, बोले वोटिंग करने वालों को फ्री देंगे परामर्श। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव में वोटिंग प्रतिशत कम होना चिंता का विषय बना है। वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने के लिए तरह तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। इस प्रयास में अब डॉक्टर भी पहले वोटिंग करने वालों को फ्री परामर्श देने की घोषणा किए हैं। अगर बीजेपी जिला प्रभारी बोले पोलिंग जिताओ, पोलिंग और पुलिस पार्टी सहयोग करेगी, कांग्रेस ने जारी किया वीडियो। मध्य प्रदेश लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण की 9 सीटों पर मंगलवार को मतदान के एक दिन पहले कांग्रेस ने भाजपा पर गंभीर आरोप लगाया। इसको लेकर कांग्रेस की तरफ से एक वीडियो जारी किया गया। इसमें भाजपा का पदाधिकारी एक बैठक में पोलिंग जिताने, पोलिंग और पुलिस पार्टी के सहयोग करने की बात कहते सुनाई दे रहा है। पीसीसी चीफ के सलाहकार के मिश्रा ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया। खरगोन में राहुल गांधी ने आरक्षण को लेकर किया वादा, बोले 50% की सीमा हटा देंगे। मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के से गांव में सोमवार दोपहर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने जनसभा को संबोधित किया। खरगोन बड़वानी संसदीय सीट से कांग्रेस प्रत्याशी पोरलाल खरते ने समर्थन में राहुल गांधी ने कांग्रेस को वोट देने की अपील की। वहीं इस दौरान उन्होंने बीजेपी और पीएम मोदी पर भी जमकर निशाना साधा। खरगोन पहुंचे राहुल गांधी ने मंच से कहा कि इस चुनाव का मुख्य मुद्दा आरक्षण है और जब कल पीएम मोदी यहां आएंगे तो उनसे पूछना कि वो आरक्षण को क्यों खत्म करना चाहते हैं। आज मंगलवार को खरगोन में होगी पीएम मोदी की सभा। आम लोगों के लिए प्रशासन ने ट्रैफिक रूट किया डायवर्ट। मध्य प्रदेश के खरगोन नगर के नवग्रह मेला मैदान में आज मंगलवार को भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा को संबोधित करने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे, जिसको लेकर जिला प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता करने के साथ ही नगर के ट्रैफिक व्यवस्था को भी डायवर्ट किया। वहीं आज मंगलवार को नवग्रह मेला मैदान की ओर आने जाने वाले यात्री वाहनों, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड के वाहनों को प्राथमिकता से आवागमन कराया जाएगा। गेहूं की तरह दूध उत्पादन करने वालों को भी मिलेगा बोनस। मध्य प्रदेश में आज तीसरे चरण की 9 सीटों पर मतदान होने हैं। चौथे चरण के चुनाव के लिए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का चुनावी दौरा शुरू हो गया। सीएम ने उज्जैन के तराना खंडवा लोकसभा क्षेत्र के नेपानगर और बुरहानपुर में जनसभाएं की। इस दौरान सीएम मोहन ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा, साथ ही मोदी सरकार के लिए कामों की जनता को रूबरू कराया। हनी ट्रैप पर आया भोपाल कोर्ट का बड़ा फैसला। प्रदेश के बहुचर्चित हनी ट्रैप से जुड़े मानव तस्करी केस में भोपाल कोर्ट का फैसला आ गया। अदालत ने 3 आरोपियों को बरी कर दिया क्योंकि पीड़ित महिला ने कोर्ट में 3 आरोपियों आरती दयाल, श्वेता जैन, अभिषेक सिंह ठाकुर को पहचानने से इनकार कर दिया था। लंबी बहस के बाद मानव तस्करी के आरोपियों को बरी करने के साथ ही ये केस समाप्त हो गया। इंदौर में 1500 से अधिक मतदाता वाले 191 सहायक मतदान केंद्र बने। इंदौर जिले में 1500 से अधिक मतदाता संख्या वाले 196 मतदान केंद्र थे। मतदान सुविधा के लिए जिला निर्वाचन विभाग ने आयोग की सहमति लेकर 191 सहायक मतदान केंद्र बनाए, जहां पर मतदाताओं को विभाजित कर चुनावी तैयारियां पूर्ण कर ली गईं। 6 केंद्र के मतदाताओं को अन्य केंद्र पर विभाजित किया गया। सीबीएसई बोर्ड परिणाम जारी होते ही डिजी लॉकर में आएगी अंक सूची। सीबीएसई बोर्ड द्वारा इस बार बोर्ड परीक्षा परिणाम के साथ परीक्षार्थियों की अंक सूची डिजी लॉकर पर अपलोड की जाएगी, ताकि परीक्षार्थी सीधे स्कूल से पासवर्ड लेकर अपनी अंक सूची डाउनलोड कर सकें। खास बात यह है कि डिजी लॉकर पर अपलोड अंक सूची जरूरत के लिहाज से कहीं भी उपयोग की जा सकती है। इस संबंध में बोर्ड ने सभी सीबीएसई स्कूल को निर्देश जारी कर दिया है।
ऑनलाइन काउंसलिंग में परेशानी, पंजीयन और दस्तावेज अपलोड करने में दिक्कतें। स्नातक स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश को लेकर ऑनलाइन काउंसलिंग शुरू हो चुकी है। विद्यार्थियों को पंजीयन से लेकर दस्तावेज अपलोड करने में अधिक समय लग रहा है। उच्च शिक्षा विभाग ने पहली बार पंजीयन से पहले एकेडमी बैंक ऑफ क्रेडिट आईडी, समग्र आईडी, ईमेल, मूल निवासी, विधानसभा सहित कई जानकारी मांगी। इसके बाद विद्यार्थियों को दस्तावेज अपलोड करना होता है। सीआईएससी बोर्ड में इंदौर से हार्दिक पाटीदार ने किया टॉप। जिले में इन स्कूल्स का परिणाम 99%। काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन ने सोमवार को 10वीं और 12वीं का रिजल्ट घोषित कर दिया। इंदौर जिले के 6 स्कूल से विद्यार्थियों ने परीक्षा दी थी। दोनों कक्षाओं में परीक्षा में करीब 800 विद्यार्थी शामिल हुए। जिले में इन स्कूल का परिणाम 99% रहा। 12वीं के गणित संकाय में टॉपर श्रवि बंसल को 97.5% अंक प्राप्त हुए। ईडब्ल्यूएस को मैं सामान्य वर्ग के लिए निर्धारित पदों में से 10% आरक्षण ही होगा मान्य। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने ईडब्ल्यूएस यानी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के संबंध में महत्वपूर्ण आदेश पारित किया। इसके जरिए न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल की एकल पीठ ने साफ कर दिया कि ईडब्ल्यूएस को महज सामान्य वर्ग के लिए निर्धारित पदों में से 10% आरक्षण मान्य होगा, कुल पदों में से नहीं। इस टिप्पणी के साथ ही ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थियों की ओर से दायर याचिकाएं निरस्त कर दी गई। जबलपुर में ट्रैक्टर पलटने से 5 बच्चों की मौत, सीएम मोहन ने जताया शोक। मध्य प्रदेश के जबलपुर में ट्रैक्टर पलटने से 5 बच्चों की मौत हो गई। इस हादसे में 2 अन्य बच्चे घायल हैं जिनका इलाज जारी है। इस हादसे पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने दुख जताया। सीएम डॉ. मोहन यादव ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, जबलपुर जिले के तिनेटा देवरी में ट्रैक्टर पलटने से 5 बच्चों के असामयिक निधन का समाचार अत्यंत दुखद है। ई बालिका पोर्टल का डेटा रिकवर करने की कोशिश जारी, अब तक जमा नहीं हुआ पुराना कर। ई बालिका पोर्टल का डेटा रिकवर करने की कोशिश लगातार चल रही है, साथ ही ऑनलाइन एंट्री का काम भी जारी है, लेकिन करदाता अब तक पिछला कर जमा नहीं कर सके। वहीं आचार संहिता के चलते 11 मई को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में जनता को कर पर लगने वाले अधिभार में छूट नहीं मिल सकेगी। बम कांड का फायदा कम और नुकसान ज्यादा हुआ भाजपा को। अक्षय बम की पार्टी में शामिल होने का भाजपा को फायदा तो दूर, नुकसान होता नजर आ रहा है। कांग्रेस को दौड़ से बाहर करने की रणनीति फिलहाल तो भाजपा पर ही भारी पड़ती नजर आ रही है। बम कांड को अंजाम देने वाले 2 नंबरी नेता भले ही इसे अपनी जीत मान रही हों, लेकिन वास्तविकता ये है कि इससे राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी की छवि धूमल हुई। यज्ञकुंड के पास हुई खुदाई, वीडियोग्राफी व फोटोग्राफी भी की गई। धार के ऐतिहासिक गौशाला में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की टीम ने सोमवार को 46वें दिन के सर्वे में गर्भगृह और यज्ञकुंड के बीच व्यापक स्तर पर खुदाई कार्य किया। यज्ञकुंड के नजदीक वाले 6 ब्लॉक में से अधिकांश में खुदाई कार्य हो चुका है। यहीं से पूर्व में सिक्के और खंडित मूर्ति मिली थी। गौशाला के पीछे के क्षेत्र में व्यापक स्तर पर कार्य किया गया है। ग्वालियर चंबल में बनेंगे लू जैसे हालात, तो जबलपुर नर्मदापुरम में गर्मी के तेवर। मौसम विभाग के वरिष्ठ मौसम विज्ञानी प्रमेंद्र सिंह ने बताया कि चंबल ग्वालियर संभाग में उत्तरी हिस्सों में तापमान में बढ़त का क्रम जारी है। यहां आज मंगलवार को तापमान और बढ़ेगा और कई जगहों पर लू जैसे हालात बनेंगे, जबकि बुधवार 8 मई को ग्वालियर, शिवपुरी, दतिया, गुना, अशोकनगर सहित खंडवा, खरगोन से लू चलने की चेतावनी जारी कर दी गई। राजधानी भोपाल में अधिकतम तापमान 40 से 42 डिग्री सेल्सियस के आसपास हो। प्रियंका ने कार्यकर्ताओं में भरा जोश, बोली अभी जिसे डर लगता है वो पीछे हट जाएं, फिर हटने नहीं दूंगी। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा चुनाव की कमान संभालने के लिए रायबरेली पहुंच गई। उन्होंने भुयमऊ गेस्ट हाउस में कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि देश के हालात बहुत खराब हैं, मैं यहां आ गई हूं, चुनाव में 329 घंटे बाकी हैं, लगातार काम करना है, हर हाल में जीत दर्ज करनी है, मैं आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ूंगी, जिसे डर लगता है वो पीछे हट जाएं, फिर हटने नहीं दूंगी। अब धूप में लाइन लगाकर नहीं खड़े होंगे मतदाता, गर्मी व लू से बचाव की होगी व्यवस्था। लोकसभा चुनाव के 3रे चरण का मतदान आज मंगलवार को है। चुनाव आयोग ने मतदान स्थलों पर गर्मी व लू से बचाव के लिए जरूरी प्रबंध करने के निर्देश दिए। मतदान केंद्रों पर जहां तक मतदाताओं की कतार होगी वहां तक छाया की व्यवस्था और निर्बाध बिजली की आपूर्ति होगी। मतदाताओं के लिए मतदेय स्थलों पर छांव के लिए अलग से टेंट लगाए गए हैं। ये जानकारी प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने दी। पुंछ आतंकी हमले में शामिल आतंकियों का स्केच जारी। जम्मू कश्मीर के पुंछ में भारतीय वायुसेना के काफिले पर हुए आतंकी हमले में शामिल 2 आतंकवादियों का स्केच जारी कर दिया गया, साथ ही दोनों पर 20 लाख का इनाम घोषित है। सुरक्षा बलों की टीम आतंकियों की गिरफ्तारी के लिए तलाशी अभियान भी चला रही है। बता दें कि शनिवार को हुए इस हमले में सेना के एक जवान बिक्की पहाड़े इलाज के दौरान शहीद हो गए और 4 अन्य सैन्यकर्मी घायल हैं।
राहुल गांधी ने कहा, पेपर बनाने वाले अगड़ी जातियों के होते हैं इसलिए दलित फेल हो जाता है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का एक वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें वो कुछ लोगों से बातचीत करती नजर आ रही हैं। वीडियो में राहुल कहते हैं कि अगड़ी जातियों के लोग परीक्षा में पेपर सेट करते हैं इसलिए दलित जातियों के लोग फेल हो जाते हैं। वो आगे कहते हैं कि इसका मतलब जो सिस्टम को कंट्रोल कर रहा है वही मेरिट डिसाइड कर रहा है। विदेश दल ने जाना, सबसे बड़े लोकतंत्र में कैसे होते हैं चुनाव। श्रीलंका और फिलीपींस की 11 सदस्यीय दल ने किया दौरा। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत में लोकसभा चुनाव के लिए मतदान प्रक्रिया जारी है। यहां किस तरह से राजनीतिक दल चुनाव प्रचार और सभाएं करते हैं, वहीं निर्वाचन आयोग किस तरह से मतदान कराने के लिए पहले तैयारियां करता है, सहित अन्य जानकारी लेने के लिए विदेशी दल मध्य प्रदेश के दौरे पर है। श्रीलंका और फिलीपींस से आए 11 सदस्यीय प्रतिनिधि दल ने सोमवार को लाल परेड मैदान पहुंचकर चुनाव सामग्री वितरण की प्रक्रिया को समझा। मध्य प्रदेश के हनी ट्रैप मामले में जुड़े मानव तस्करी के आरोपित हुए बरी। भोपाल के बहुचर्चित हनी ट्रैप मामले से जुड़े मानव तस्करी के मामले में आरोपी श्वेता विजय जैन, आरती दयाल और अभिषेक के दशम अपर सत्र न्यायाधीश पल्लवी द्विवेदी ने सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। बता दें कि सीआईडी ने वर्ष 2019 में भारतीय दंड विधान की धारा 370, 370 ए और 120 बी में प्रकरण पंजीबद्ध किया था। फिल्म ब्रह्मास्त्र का गाना केसरिया ने रचा इतिहास। साल 2022 में आई रणबीर आलिया की फिल्म ब्रह्मास्त्र को अभी भी फैंस का प्यार मिल रहा है। अब फिल्म के गाने केसरिया ने इतिहास रच दिया। अरिजीत सिंह की आवाज में गाया गया ये गाना स्पॉटिफाई पर 500 मिलियन बार सुना जाने वाला पहला इंडियन सॉन्ग बन गया है। इस गाने ने विश्व भर के श्रोताओं के दिल को छू लिया। इस गाने के लिरिक्स अमिताभ भट्टाचार्य ने लिखे। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।